आज हम MSN में पढ़ेंगे वर्जर्स डिसीज़ के बारे में कि वर्जर्स डिसीज़ जो है क्या होती है। तो वर्जर डिसीज़ में जो है हाथ और पैरों की जो है ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इन्फ्लेम्ड होके जो है वो वहाँ पर ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस एरिया में पेन होना और वहाँ ब्लड जो है वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। आर्टरीज और वेन्स हैं पेरिफेरल एरियाज़ की, जैसे कि हैंड हो गए, आर्म्स हो गए और लेग्स हो गए, तो आर्म्स और लेग्स की जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो एकदम से कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और वहाँ पर जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। वो इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी, इन्फेक्शियस कंडीशन, उसकी वजह से जो है उस एरिया में ब्लड का जो है फ्लो बंद हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो जो है बंद होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है वर्जर डिसीज जो है उसको कहते हैं। अब बात करेंगे कि वर्जर डिसीज़ में जो है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। वर्जर डिसीज़ के कॉजेस में एक तो हो गया जैसे कि जेनेटिक कोई भी कंडीशन हो गई, जेनेटिकल फैक्टर की वजह से वर्जर डिसीज़ जो है हो सकती है। उसके अलावा कोई भी फैमिली हिस्ट्री रही हो उस पेशेंट की, उसकी वजह से हो सकता है। कोई भी अनदर इन्फेक्शियस कंडीशन है तो उस इन्फेक्शन की वजह से वर्जर डिसीज़ जो है कॉज हो सकती है, जिसमें कि पेरिफेरल एरियाज़ की यानी आर्म्स एंड लेग्स की जो है आर्टरीज और वेन्स जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इसके बाद में जो है कॉजेस में नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है जैसे कि अल्कोहल कोई कंजप्शन कर रहा हो, कोई स्मोकिंग कर रहा है, क्रॉनिक जो है स्मोकिंग कर रहा है, वो टोबैको च्यूइंग कर रहा है। अगर वो टोबैको चबाते हैं बहुत क्रॉनिक टाइम से जो है बहुत लंबे समय से, या फिर वो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से जो है वर्जर डिसीज़ कॉज हो सकती है। इसके अलावा कोई भी और फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि हो गया इसमें अनदर डिसीज़ कंडीशन हो गई इसमें, और कोई क्रोनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई भी अनदर फैक्टर जिसके बारे में हमें पता ना हो, इडियोपैथिक जो है कॉज हो सकता है, जैसे कि अननोन फैक्टर जिसके बारे में हमें पता ना हो, तो उसकी वजह से भी जो है वर्जर डिसीज़ जो कॉज हो सकती है। अब बात करेंगे कि वर्जर डिसीज़ में जो क्या क्या सिम्टम होते हैं, जिस भी पेशेंट को, जिस भी पर्सन को वर्जर डिसीज़ होती है उसमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पर्सन के अंदर जो है ब्लड फ्लो बहुत कम होगा, जो पेरिफेरल एरिया होगा आर्म्स यानी कि हैंड एंड लेग्स का जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत ही कम होगा वहाँ, और कम होगा या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। उस जगह में जो है पेन रहेगा उन पर्सन को, और एकदम से क्रॉनिक पेन रहेगा उस जगह में, स्वेलिंग रहेगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से, और जो है वहाँ नंबनेस फील होगी उस एरिया में, जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ नंबनेस, सुनपन उनको फील होगा, और सुन्नपन की वजह से जो है उस जगह की जो स्किन है तो स्किन भी जो ठंडी एकदम से नमी रहित जो है, और जो ठंडी स्किन वहाँ की रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे कि सिम्टम्स में जो है उन इंसान को, जिस भी को वर्जर डिसीज़ है, तो वर्जर डिसीज़ में उस एरिया में जो है ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद रहेगा। तो ये तो इसके हो गए सिम्टम्स। सिम्टम्स के अलावा हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ब्लड यानी कि CBC करेंगे, तो CBC में ब्लड कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा तो WBC की जो रेंज है वो डिक्रीज रहेगी। और इसके अलावा बात करेंगे कि इन्फेक्शियस कंडीशन को देखा जा सकता है। इसके अलावा एलन टेस्ट करेंगे। एलन टेस्ट में जो है एलन टेस्ट उसके लिए होता है जैसे कि जो हाथ की जो आर्म्स एरिया हो गया, आर्म्स एरिया में ब्लड का फ्लो कितना है, ब्लड का फ्लो ठीक ठाक है या फिर कम है, जितना होना चाहिए उस फ्लो से भी कम है, तो ब्लड का फ्लो चेक करने के लिए जो है एलन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें डायग्नोसिस आता है एनजियोग्राफी। तो एनजियोग्राफी में जो है ब्लड वेसल्स हैं हैंड एंड लेग्स की, जो ब्लड वेसल्स रहेंगी वहाँ पर कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं हो गया है, ब्लड क्लॉट की वजह से वहाँ ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, और जो है स्वेलिंग हो गई है, और कितना ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कितने एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, और कितना जो है वो थ्रोम्बस जो बना है तो वो कितना क्लॉट फैक्टर है, जो वो क्लॉट का जो साइज़ क्या है और वो कितने एरिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके लिए जो है एनजियोग्राफी करवा सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट की बात करेंगे, वर्जर डिसीज़ के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें
पेन के लिए जो है एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं उस पेशेंट को। अगर इन्फेक्शन की वजह से जो डिसीज कंडीशन कॉज हुई है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एंटी कोआगुलेंट्स दे सकते हैं जिससे कि जो ब्लड क्लॉट बना है तो ब्लड क्लॉट को ठीक किया जा सके, डिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा ब्लड क्लॉट को ठीक करने के अलावा एंटी कोआगुलेंट्स के अलावा जो है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक देने से ये होगा कि जो थ्रोम्बस बना है, ब्लड क्लॉट हुआ है, तो वो थ्रोम्बस जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होगा वो तो उसकी वजह से फिर जो है ब्लड फ्लो जो है ठीक से हो पाएगा आर्टरीज एंड वेंस में। इसके अलावा जो है पेशेंट को बोलेंगे कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, जब भी उसको पेन हो रहा है उस टाइम पर वो एक्सरसाइज को बंद कर सकते हैं, और जब भी उनको पेन से रिलैक्स मिल गया है उस टाइम पर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बोलेंगे कि लो फैट डाइट ले, जिसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल ठीक से रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहे। इसके अलावा मैनेजमेंट में हम जो है एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी डिजॉल्व नहीं हुआ है, अगर जो थ्रोम्बस जो है ब्लड क्लॉट है अगर वो डिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसको सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं, जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। मैनेजमेंट के अलावा हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर बर्जर डिसीज़ जो है सीवियर हो गई, क्रॉनिक हो गई, अगर उसको ट्रीट नहीं हो पा रही है वो, तो उसकी वजह से जो है गैंग्रीन भी हो सकता है, यानी कि उस एरिया में ब्लड सप्लाई तो कम होगा ही, तो ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उस एरिया में जो है गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन में जो है जिस भी एरिया में गैंग्रीन होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, वहाँ के जो एरिया है, जो जो भी पार्ट है वो पार्ट एकदम से ब्लैकिश हो जाएगा, और ब्लैकिश होने की वजह से वो एकदम से ऐसे जैसे कि लकड़ी की तरह टूट जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पर ना तो कोई सेंसेशन रहेगा और वहाँ ना कोई ब्लड सप्लाई रहेगी, ना ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी, तो उसकी वजह से जो है गैंग्रीन हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेशन हो सकता है। जिस भी पेशेंट को बर्जर डिसीज़ है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो उसको जो है कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको अल्सरेशन भी हो सकता है। अल्सरेशन इसलिए होगा क्योंकि उस पेशेंट में जो है ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से वहाँ अल्सरेशन फॉर्म हो सकता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस भी वहाँ पर हो सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है बहुत सारे और भी डिसीजेज कॉज हो सकती हैं, और इसमें जो है अनदर पार्ट में भी सेप्सिस भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया भी हो सकता है अगर वो जो जो ब्लड है, अगर एक जगह से जो है ब्लड जो फ्लो नहीं हो पा रहा है, अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो और जगह भी जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो सेप्टिसीमिया या फिर इसमें जो है सेप्सिस भी हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा था कि बर्जर डिसीज़ क्या 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 होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उस पेशेंट में, एंड जो है इसके क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं उसमें कि इससे अच्छे से उसको मैनेजमेंट किया जाए, और नेक्स्ट पढ़ा था कि क्या क्या मैनेजमेंट है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है कॉज हो सकती हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।